यूथ आइकन जितने भी बिहार के जितने भी लीडर लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को जो फॉलो करने वाले लोग, सब लोग अपनी अपनी बात को और अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन हुआ तो उसमें लाठीचार्ज हुआ है, होता रहता है, चलता रहता है। अपनी मांग को उन्होंने रखने का काम किया तो सरकार उस मांग को पूरा करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल बिहार बचाओ मार्च निकाल रहे थे। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ कल ये मार्च जेपी गोलंबर से राजभवन जाना था, लेकिन पटना पुलिस ने बीच रास्ते में ही इसको रोक लिया। और बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए गए हैं और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। इसको लेकर के देखिए, तेज प्रताप यादव जो कि लालू के बड़े लाल हैं, वो भी चिराग पासवान के साथ नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान को लेकर के, सबसे पहले सुनिए। पार्टी के लोग पथराव करने का काम किए थे और पुलिस के द्वारा भी पथराव करने का काम हुआ था। उस समय में हम लोग तो लगातार यूथ आइकन जितने भी बिहार के जितने भी लीडर लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को जो फॉलो करने वाले लोग, सब लोग अपनी अपनी बात को और अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन हुआ तो उसमें लाठीचार्ज हुआ है, होता रहता है, चलता रहता है। अपनी मांग को उन्होंने रखने का काम किया तो सरकार उस मांग को पूरा करने का काम कर रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि तेज प्रताप यादव जो कि राजद के विधायक हैं और लालू के बड़े लाल हैं, उन्होंने इस पर कहा है कि देखिए, जो सामाजिक न्याय के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन जो पुलिस उन पर लाठियां चार्ज करने का काम करती है। लगातार देखिए जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में राजनीति के रूप से अब सक्रिय नज़र आ रहे हैं। गरीबों की बात करें तो लगातार वो लोगों से मिलते हैं, जहां पर कोई भी आपराधिक घटना होती वहां से जाकर के लोगों से मिलते हैं और पुलिस प्रशासन से कह करके उसको मदद दिलाते हैं। ऐसे में देखिए, जब कल बिहार बचाओ मार्च निकाला गया था चिराग पासवान के द्वारा, ये मार्च जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर जाना था। राज्यपाल फग्गू चौहान को ज्ञापन सौंपना था बिहार सरकार के खिलाफ, तो लेकिन पटना पुलिस राजभवन नहीं जाने दी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि चिराग पासवान को हिरासत में लेकर के सचिवालय थाना लेके गया पुलिस के द्वारा, फिर वहां से राजभवन के लिए चिराग पासवान पुलिस की जिप्सी में बैठ करके गया। हालांकि राज्यपाल महोदय राजभवन में मौजूद नहीं थे, जो कि उनके अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार चिराग पासवान बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। सड़कों पर देखिए उतर करके पूरा जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पूरा जाम लगा दिया था। और बात करें तो पूरा हुजूम जो कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा था, चिराग पासवान खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में देखिए तेज प्रताप यादव ने भी उनका सराहना किया और कहा है कि जो कि सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस तरह से करते हैं, ऐसा होता रहता है, लेकिन जो कुछ बिहार में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। चिराग पासवान जो मांग रहे हैं उनको सीएम नीतीश कुमार को मान लेना चाहिए।